हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ यूबी पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी। और यहाँ मैं इसके सभी चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये हमारा पार्ट वन है। और इसके पहले कल मैंने डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क के सभी चैप्टर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो अपलोड कर दिया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जाकर देख लें, चैनल पर होगा वीडियो। और इस वीडियो में मैं जितने भी क्वेश्चन बताने वाला हूँ वो सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के पेपर में आने के 90% चांसेस हैं, तो आप लोग ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्क्रीन पर हमारे क्वेश्चंस आ चुके हैं। देखिए पहला क्वेश्चन मैंने इस तरह लिखा है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। इसमें मैंने चार क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जिसमें पहला है मर्ज सॉर्ट, जो कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम चैप्टर का है। और इसमें एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है, इसकी डिफिनेशन भी पूछता है, मतलब शॉर्ट नोट लिखने को भी आता है। और इस पर एक क्वेश्चन भी आता है जो किस तरह का आता है अभी मैं बताऊँगा। और देखिए सेकेंड है डी ई क्यू, ये स्टैक एंड क्यू चैप्टर का है। डी ई क्यू का मतलब क्या होता है, डबल इंडेड क्यू। देखिए जो क्यों होता है वो फीफो सिस्टम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर कार्य करता है। और इसमें क्या होता है, जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होता है, जो इंसर्शन और डिलीशन के लिए होता है, वो दोनों तरफ से परफॉर्म किए जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम रखा गया डबल इंडेड क्यू। थर्ड है हमारा हीप सॉर्ट, ये भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम का एक चैप्टर का है। और जो हीप सॉर्ट होता है उसको हम लोग ट्री की सहायता से सॉर्ट करते हैं, और मैंने पढ़ाया भी है। आप लोग अगर प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपको दिख जाएगा, मैंने सॉर्टिंग एल्गोरिदम का वीडियो बनाया है ऑलरेडी। और फोर्थ है हमारा टावर ऑफ हनोई, ये भी स्टैक एंड क्यू चैप्टर का है। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है बबल सॉर्ट या फिर हीप सॉर्ट या फिर क्विक सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट, प्रणाली का प्रयोग करके निम्न नंबरों को सॉर्ट कीजिए। और देखिए मैंने नंबर भी नीचे लिखे हुए हैं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन हर बार पेपर में एक या दो ज़रूर पूछे जाते हैं 5 नंबर के। इसमें आपको क्या करना रहता है कि एक क्वेश्चन आता है जैसे कि नंबर्स दिए हुए हैं, इनको एरे में लिख के सॉर्ट करना होता है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं। जो हीप सॉर्ट होता है उसमें बाइनरी की तरह लिख के यूज होता है, मतलब बाइनरी ट्री की तरह, तो मैंने पढ़ाया है प्रीवियस वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा एरे को परिभाषित कीजिए, एरे क्या होता है, मीन्स व्हाट इज एरे, और एरे की सीमाओं को लिखिए, लिमिटेशंस ऑफ एरे, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है हमारा लिंक्ड लिस्ट को परिभाषित कीजिए, डिफाइन लिंक्ड लिस्ट, विभिन्न प्रकार की लिंक लिस्ट के बारे में समझाइए, मतलब इसके टाइप्स को बताना है। जैसे होता है सिंगली, डबली, सर्कुलर, ये सभी होते हैं, तो चार टाइप के होते हैं, तो ये आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें से एक टाइप के पूछे जा सकते हैं। अभी तक क्या हुआ है कि सिंगली पूछा गया है, डबली पूछा गया है, तो आप लोग इसको तो ज़रूर पढ़ के जाइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन है हमारा बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए बाइनरी ट्री ट्रिवर्सल में प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, ये तीनों होते हैं। और ये क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, मैंने लिख भी रखा है, और ये लगभग हर बार ही पूछा गया, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। इस पर एक क्वेश्चन के मतलब एग्जांपल दे के आप लोग इसको अच्छे से लिख सकते हैं, और ये काफ़ी इजी है। इसको मैंने अपने लगभग जितने भी डीएस के वीडियो मैंने बनाए हैं लगभग सभी में पढ़ाए हैं, तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है इनफिक्स नोटेशन, प्रीफिक्स नोटेशन एंड पोस्ट फिक्स नोटेशन। देखिए इस पे तीनों पे एक हमें इक्वेशन देगा, उसको हमको सॉल्व करना होता है। देखिए मैंने इसको भी अपने वीडियो में बताया है, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर बार ही पूछा जाता है। 7वां क्वेश्चन है हमारा लिंक लिस्ट में इंसर्शन एंड डिलीशन को दिखाइए। देखिए जो पुश एंड पॉप ऑपरेशन होते हैं उसको आपको लिंक लिस्ट में दिखाना है, तो ये भी क्वेश्चन ईजी है और पूछा गया है कई बार। 8वां क्वेश्चन है हमारा स्टैक एंड क्यू में पुश एंड पॉप ऑपरेशन को परफॉर्म कीजिए, मींस इंसर्शन और डिलीशन करिए, तो ये भी काफ़ी इजी है। जैसे मैंने बताया अभी स्टैक लीफो मींस लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर कार्य करता है, और जबकि क्यू फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड पर कार्य करता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन ग्राफ ट्रिवर्सल क्या होता है, इसके प्रकार लिखिए। देखिए ये ग्राफ चैप्टर का है, तो आप लोग इसको भी ग्राफ का ट्रिवर्सल पढ़ के जाइएगा जितने भी टाइप्स के होते हैं। तो यही सब थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से मैंने उठाए हैं सारे क्वेश्चंस। तो आई होप आपके सारे क्वेश्चंस पहले से रेडी होंगे, अगर नहीं रेडी हैं तो आप लोग मेरे चैनल पे है, मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, और बुक की हेल्प लेके पढ़ सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम ही बचा है। हमारा मंडे से एग्ज़ाम है, आज हमारा सैटरडे है,
सैटरडे बीत गया है, ठीक है। तो आई होप यू लाइक माई वीडियोज़, इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आल्सो शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स एंड विथ योर जूनियर्स। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए और अच्छे अच्छे नंबर लाइए। जय हिंद, जय भारत।